अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक होगा ब्रीडिंग बॉक्स। काफ़ी भाइयों के क्वेश्चंस होते हैं कि यार असद भाई, बॉक्स किस साइज़ का होना चाहिए? हम बॉक्स केज के अंदर लगाएं या केज के बाहर लगाएं? बॉक्स हॉरिजेंटल होना चाहिए या बॉक्स हमारा वर्टिकल होना चाहिए? तो वो ये काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। अक्सर जो ना न्यू फैंसर्स काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं इस बारे में कि यार हम बॉक्स कौन सा लें, किधर से लें और कैसे का बॉक्स लें। तो मैं इंशाल्लाह आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अच्छा जी, पहले हम बात करते हैं इस बॉक्स के ऊपर। ये जी हॉरिजेंटल बॉक्स है, इसकी लेंथ ऐसे आलमोस्ट 18 इंच है और इसकी हाइट 8.5 है, 8.5 इंच। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 सालों से ये बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ और मुझे कभी आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कोई नया बंदा आके देखता वो कहता है सर भी, इतना बड़ा बॉक्स आपने लबर्ड को दिया हुआ है तो इसमें वो उनके अंडे वगैरह ख़राब नहीं हो जाते? भाई जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बर्ड मेरे नज़दीक इसमें बर्ड थोड़ा सा और ज़्यादा हमारा कम्फर्टेबल होता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप देखें कि ये माशाल्लाह से 18 इंच लंबा बॉक्स है, तो एक तो बर्ड के लिए स्पेस बड़ी अच्छी है, वो इसमें इंटर होते साथ भी अपना नेस्ट बना सकता है और वो इधर भी आके अपना नेस्ट बना सकता है, उसके पास स्पेस काफ़ी है, ऑप्शंस हैं, आप समझिए हमारे बर्ड्स के पास। अच्छा, जब हैचिंग स्टार्ट होती है तो पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, जब 4-5 पे गेम जाती है तो आप देखते हैं कि अगर स्पेस तंग हो, अगर स्पेस बॉक्स में इतनी ज़्यादा नहीं है तो वो बच्चा जो छोटे वाला होता है वो एक दूसरे के नीचे आके उसमें मोर्टैलिटी के चांसेस होते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। इस बॉक्स में अल्हम्दुलिल्लाह स्पेस बहुत ज़्यादा है तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। ये बॉक्स मुझे पर्सनली बहुत खूबसूरत लगता है, पर्सनली मुझे पसंद है। मैं इसको 4 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरे केज के अंदर जाता है, ये बॉक्स बाहर नहीं लगेगा, ये बॉक्स केज के अंदर लगेगा और 2 एंगल्स पे जाएगा, बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड। इसके गिरने का कोई ख़तरा नहीं होता, कोई कील से, किसी हुक से हमने इसको जाली पे नहीं लगाना। ये इसका एक बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि 3-4 साल 5 साल पहले मैं काफ़ी लॉस उठा चुका हूँ जब मैं हुकों के साथ बाहर बॉक्स लगाता था, तो वो इंशाल्लाह उसमें हम बात करते हैं। अच्छा जी, एक तो इस माशाल्लाह बॉक्स की जो है ना ज़रा प्रोफेशनल सी लुक आती है, केज में लगा हुआ बड़ा खूबसूरत लगता है, तो इस वजह से मैं ये बॉक्स जो है ना प्रेफर करता हूँ। कोई भी अगर मेरे पास आके देखता है तो मैं कहता हूँ आप ये बॉक्स लगाएं। लेकिन फिर आप केज साइज़, अगर आप बर्ड्स को फ्लाइट नहीं देते तो फिर आप केज साइज़ बढ़ा लें थोड़ा सा। मेरे केज का साइज़ है 2.5 फुट उसकी लेंथ है और 2 फुट उसकी गहराई है और 1.5 फुट उसकी हाइट है। लेकिन 6 मंथ ऑलमोस्ट जो है ना मेरे बर्ड, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो बच्चे हैं, या चाहे वो अडल्ट हैं, चाहे वो ब्रीडर्स हैं, उन्होंने 6 मंथ फ्लाइट इन्जॉय करनी है। तो इस बॉक्स में ऐसा कोई जो है ना वो सीन नहीं है कि कभी कोई एग्ज़ नहीं ख़राब होते, कोई ऐसा चक्कर नहीं है, आप बिल्कुल इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। आप इस बॉक्स को बाहर भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा जो हमारा दूसरा बॉक्स चलता है वर्टिकल, अच्छा देखें बॉक्स वो भी बहुत अच्छा है, दुनिया उसमें भी ब्रीड ले रही है, उसमें भी बच्चे पल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली पर्सनली ये मुझे ख़ुद बहुत पसंद है, इस वजह से इसको यूज़ करता हूँ। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन से मैंने कहा मैं इस पर वीडियो बना के आप सब भाइयों से शेयर करूँ। जो हमारा बॉक्स है वर्टिकल, जो ऐसे लगता है केज में हमारा, उस बॉक्स में थोड़ी सी मुझे जो है ना प्रॉब्लम्स आई आज से 5-1 साल पहले जब मैं यूज़ करता था, तो वो बॉक्स बाहर लगा होता था तो वो कभी कीलों के साथ, कभी हुकों के साथ, 2-4 बार मेरे लड़के सफाई वाले थे, वो जो है ना सफाई करते करते उनका शोल्डर लगा, किसी झाड़ू लगी तो वो बॉक्स नीचे गिरा, जिसमें एग्स का टोटली लॉस हो गया बॉक्स की। वो ये थी कि उस बॉक्स को जैसे ही हम खोलते थे ना, तो क्योंकि वो बर्ड बिल्कुल साथ बैठा होता था, पहले तो मतलब बॉक्स को ओपन करने का भी कुछ एटिकेट्स हैं, इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा मैं, कि आपने जो है ना कैसे बॉक्स ओपन करना है। जैसे ही हम उसको बॉक्स खोलते थे उस बॉक्स को, क्योंकि वो बिल्कुल बर्ड साथ ही बैठा होता था, तो वो कुछ फीमेल्स तो आराम से बाहर चली जाती थी, कुछ फीमेल्स जो है ना वो अचानक ही भागती थी बाहर, तो उसकी वजह से जो है ना वो अंडे आपस में उनके लगते और एग्स जो है ना वो ब्रेक होने का उसमें मतलब चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और फिर उसमें क्योंकि बॉक्स में स्पेस ज़रा उसमें थोड़ी सी अगर कम हो जाए तो उसमें फिर ये होता है कि बच्चे एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो अगर आ जाएँ खुदा ना खास्ता, तो उसमें मोर्टैलिटी का चांस बढ़ सकता है। लेकिन आप वो बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा बॉक्स है, आप उसको सेफ्टी के साथ लगाएं थोड़ा सा, और बॉक्स ये भी बहुत अच्छा है। ये तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बड़ा सेफ बॉक्स है, इसमें कोई हुक वाला कोई सीन नहीं है, अंदर एंगल लगाए हुए हैं, उस पर बॉक्स जाना है, आपने डोर खोलना है, आपने बॉक्स चेक करना है, दोबारा आपने केज का डोर बंद कर देना है। ये बॉक्स जी एक हमारे बहुत प्यारे भाई हैं फ़ियाज़ भाई, उन्होंने बड़ी मेहनत करके इन बॉक्सेस को बनाया है। ये आलमोस्ट मैंने कोई तकरीबन 70+ बॉक्सेस बनाए हैं, तो ये नीम की जो है ना वो उन्होंने लकड़ के ये बॉक्स बनाए हैं, बड़ा लाइट वेट, बड़ा ख़ूबसूरत बॉक्स। और जो है ना मैं इंशाल्लाह आपको उनका नंबर दे दूँगा, अगर आपने
क्वालिटी के बॉक्स बनवाने हो तो आप फयाज़ भाई से रब्ता करें, वो आपसे पैसे थोड़े से ज़्यादा लेंगे लेकिन आपको बॉक्सेस ऐसे बना के देंगे कि आपकी रूह खुश हो जाएगी। इसके अलावा इंशाल्लाह आप सब भाइयों ने मुझे जो है ना इस वीडियो पे कमेंट करके बताना है कि क्या हम नेस्टिंग मटेरियल पे और हम नेस्टिंग कैसे करवाते हैं, क्या हम इस पर वीडियो बनाएँ, तो मैं सब भाइयों का इंतज़ार करूँगा। आप भाइयों ने मुझे कहना है तो मैंने वीडियो बनानी है उस पर, वरना मैंने वीडियो नहीं बनानी। तो इसके साथ जी हमें इजाज़त दें, आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का, और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़ जी।